हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल इन्वर्टर टेक में। और आज का हमारा टॉपिक है रेफ्रिजरेटर के सेक्शन लाइन पे आइस क्यों आती है। आखिर क्या रीज़न होता है कि जब रेफ्रिजरेटर रनिंग कंडीशन में होता है और 5 या 10 मिनट के बाद उस सेक्शन लाइन पे आइस आने लगती है। इस वीडियो में आज हम डिटेल में समझेंगे और जानेंगे कौन सी रीज़न की वजह से सेक्शन लाइन पर आइस आती है, चाहे सिंगल डोर रेफ्रिजरेटर हो या डबल डोर रेफ्रिजरेटर हो। ये जो आप मिनी फॉल्ट गेज देख रहे हैं, इसमें गैस का प्रेशर कितना है मैं आपको दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसमें गैस का प्रेशर 15 से अधिक है, जिसकी वजह से सेक्शन लाइन पे आइस आती है। ये जो आप सेक्शन लाइन देख रहे हैं, इस पे आइस आई हुई है। इसमें रीज़न ये है कि इसमें गैस ज़्यादा चार्ज हो गई है, इसकी वजह से सेक्शन लाइन पर आइस आती है और कंप्रेसर भी हीट हो रहा है। अब हम गैस को रेफ्रिजरेटर में से कम करेंगे। ये जो आप पाइप देख रहे हैं, ये डिस्चार्ज लाइन है, इसको हीट होना चाहिए, ये काफ़ी अधिक हीट हो रही है। गैस ज़्यादा होने की वजह से डिस्चार्ज लाइन गर्म हो रही है और ये चार्जिंग लाइन है जहाँ से गैस चार्ज होती है, और ये सक्शन लाइन है जिस पे आइस आई हुई है। जब गैस ज़्यादा हो जाएगी तो सक्शन लाइन पे आइस आने लगेगी, और जब सक्शन लाइन पे आइस आ जाएगी तो कंप्रेसर ज़्यादा समय तक चलेगा तो बहुत ज़्यादा बर्फ़ जम जाएगी सक्शन लाइन पर। वही बर्फ़ जब मेल्ट होगा तो पानी बन जाएगा, जिसकी वजह से किचन में या रूम में रेफ्रिजरेटर रखा हुआ रहेगा, वहाँ पे बहुत ज़्यादा पानी हो जाने की वजह से हमें प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है। ये जो आप देख रहे हैं, ये ड्रायर फिल्टर है और ये कैपिलरी है। अभी भी हमारा बर्फ़ मेल्ट नहीं हुआ है, इसलिए मैं गैस और निकालने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि जो सेक्शन लाइन पर आइस आई हुई है वो मेल्ट हो जाए। इसीलिए हमेशा हमें गैस सावधानी से चार्ज करना चाहिए, क्योंकि जब अधिक गैस चार्ज हो जाएगी तब कंप्रेसर भी हीट होगा और सक्शन लाइन पे आइस भी आएगी। क्योंकि इस सर्दी के दिनों में R134A का बैक प्रेशर कम होता है और गर्मी के दिनों में बैक प्रेशर ज़्यादा होता है, तो बेटर यही होगा कि हम सर्दी के दिनों में R134A गैस का बैक प्रेशर जो है हमें 7 या 5 ही रखना चाहिए, और गर्मी के दिनों में 10 या 12 बैक प्रेशर रखेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होती है। कंपनी हमें सजेस्ट ये करती है कि आप जब कभी भी रेफ्रिजरेटर में गैस चार्ज करें, हमेशा वेट करके गैस ही चार्ज करें, ना कि बैक प्रेशर से या अंदाजी गैस को वैसे ही चार्ज कर दें और देखें कि कूलिंग आई हुई है कि नहीं आई हुई है। जितना रेफ्रिजरेटर पर लिखा हुआ रहता है, छोटा सा आगे स्टिकर कंपनी वालों ने चिपकाया हुआ रहता है कि आप उससे देखकर गैस चार्ज कर सकते हैं, कौन सी नंबर की फ्रिज में गैस चार्ज होगी, कितनी मात्रा में गैस चार्ज होगी, उतनी ही मात्रा में अगर हम गैस चार्ज करते हैं तो बहुत बढ़िया कूलिंग आएगी, और वही बेटर भी तरीका है। या अगर हम बैक प्रेशर से गैस चार्ज कर रहे हैं तो हम सर्दी के दिनों में 5 से या 8 तक ही बैक प्रेशर रखना चाहिए, उतने में फर्स्ट क्लास कूलिंग आती है। अगर आप गर्मी के दिनों में गैस चार्ज कर रहे हैं तब आप 10 या 12 प्रेशर रख सकते हैं R134A का। तो फ्रेंड, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।